आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन के लिए अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट बोला गया है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो फ्रीडलक्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं देते हैं, उसका रीज़न क्या है ये आपको बताना है। सो देखो, सबसे पहले बच्चों आपको समझना होगा, होता क्या है कि फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन की बात हो रही है। सो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आपके पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है जिस पर COH ग्रुप लगा। जब भी फ्रीडलक्राफ्ट्स रिएक्शन की हम बात करते हैं सो उसमें हमारे पास कोई ना कोई एल्काइलाइड होता है और कोई ना कोई लुईस एसिड होता है, लाइक FeCl3 हो गया या AlCl3। अब रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है वो समझते हैं। देखो, होता क्या है कि ये जो एल्काइलाइड है ये कोई भी जो भी लुईस एसिड आप ले रहे हो उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो होता क्या है कि क्लोरीन के पास जो लोन पेयर्स है वो एल्यूमिनियम की 3D ऑर्बिटल्स में वो डोनेट कर देता है। फाइन, सो इस टाइप से मेरे पास क्या कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्लियर, सॉरी AlCl3 है आपका। फाइन, सो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि हैलोजन्स जो है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकते, राइट। सो इसलिए क्लोरीन पे पॉजिटिव और क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर नेगेटिव। अब फर्दर क्या होता है कि क्योंकि नहीं बना सकते सो ये वाला बॉन्ड जो हुआ ये बेसिकली आपका ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ब्रेक करेगा टूवर्ड्स क्लोरीन ब्रेक करेगा सो यहाँ नेगेटिव, क्लोरीन न्यूट्रल हो जाएगा और आप पर आ जाएगा पॉजिटिव, राइट, और ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, राइट। अब ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है ये बेसिकली आपका क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमारा सब्सट्रेट है यहाँ पर वो सब्सट्रेट अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देता है, राइट, और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड जब है मेरे पास कोई भी एसिड का तो उसमें ये जो COH ग्रुप होता है ये हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोकैटायन्स को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स उन्हें चाहिए सो मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच, अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है सो वो सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इसलिए टेट। सो एक तो ये रीज़न होगा कि इसलिए फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। सेकेंड रीज़न क्या होता है कि देखो ये जो AlCl3 है यहाँ पर पता है कि ऑक्सीजन गैस लोन पे है, ऐसे रेजोनेंस होती है, राइट। सो अगर मैं यहाँ शो करती हूँ सो ये आपका बना लेता कुछ स्टेप्स सिस्टम, CO- डबल बॉन्ड OH, राइट। अब O नेगेटिव है और मेरे पास क्या है AlCl3। सो O नेगेटिव क्या करेगा, एल्यूमिनियम के 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, राइट। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा CO AlCl3, ऑक्सीजन ने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है वो एल्यूमिनियम को, फाइन। सो एक तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स बने तो यहाँ पॉजिटिव होगा, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। सो इस तरीके से इंटरमीडिएट बन जाता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COH ग्रुप है वो AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है, और मैं कह सकती हूँ कि AlCl3 आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है, तो अब वो अवेलेबल नहीं होता है फॉर द फॉर्मेशन, फॉर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन, राइट। सो एक ये भी रीज़न होता है कि वो फ्रीडलक्राफ्ट नहीं देते, फाइन। सो ये ए का आंसर हो गया। अब बी की बात क्या हो रही है कि जो पी के वैल्यू होती है 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड की वो लोअर होती है बेंजोइक एसिड से, उसका रीज़न क्या है। देखो, पी के वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ से, जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पी के वैल्यू उतनी कम। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करती हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली होती है कि टेंडेंसी होती है किसी भी कंपाउंड की प्रोटॉन ईजिली रिलीज करने की, राइट। सो ये मैंने नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाया और ये आपका क्या है बेंजोइक एसिड, फाइन। अब होता क्या है, सॉरी नाइट्रोबेंजोइक एसिड है ना हमारे पास, तो यहाँ से OH भी लगेगा। सो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि ईजिली एच पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी, राइट। सो ये क्या है सी डबल बॉन्ड हो ओ नेगेटिव, अगर उसने एच पॉजिटिव डोनेट कर दिया सिमिलरली यहाँ बन जाएगा सी डबल बॉन्ड हो ओ नेगेटिव। अब होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटोन आपका निकाल देता है सो यहाँ से जो ये कार्बन आयन बनता है इसकी स्टेबिलिटी पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिटर्मिन होती है। सो आप देखोगे कि अगर मेरे पास क्या है ये NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप आपका कैसे हम शो कर सकते हैं लाइक दिस, राइट। ये NO2 क्या होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, सो ये इस कार्बन अनायन को क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा, इजंट इट। ये आपके क्या है कार्बन आयन को बेसिकली क्या है स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस से। अगर आपका कार्बन आयन जो है वो स्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी इंक्रीजेस। बट इस केस में देखोगे कि इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, नो डाउट ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है आपका,
रहा है, बट आपका इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना हमारे पास फर्स्ट केस में था। अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बेंजोइक एसिड से ज़्यादा हो रही है, सो जैसा कि मैंने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, पी के वैल्यू कम, इसलिए इसकी पी के वैल्यू क्या होती है, लेस होती है, राइट। सो ये रीज़न है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।